हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हम स्टडी करेंगे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन। सबसे पहले ये कि ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल के अंदर होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, जिन्हें हम कहते हैं ग्लड ट्रांसपोर्ट। इस ग्लड ट्रांसपोर्ट की जो है ना 14 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसमें जो मेन फोर हैं हम उनकी लोकेशन देखते हैं। उनको याद करने के लिए एक निमोनिक है, BBB, किड्स लिप्स आर पिंक मदर फादर। जो पहला बी है वो स्टैंड करेगा फॉर ब्लड, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, मेनली रेड ब्लड सेल्स। दूसरा बी स्टैंड करेगा बेबी यानी फीटस। और तीसरा बी स्टैंड कर रहा है फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि जो ग्लट वन होगा वो हमारे पास प्रेजेंट होगा रेड ब्लड सेल्स, फीटस और ब्लड ब्रेन बैरियर में। अब ग्लट टू कहाँ पर प्रेजेंट होगा? किड्स लिप्स, KI किडनी, LI लीवर, PS पैंक्रियास। उसके बाद आ जाता है ग्लट थ्री। ग्लट थ्री ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होगा पिंक, पी प्लेसेंटा एन न्यूरॉन, के किडनी। प्लेसेंटा, न्यूरॉन और किडनी में होगा हमारे पास ग्लट थ्री जो है ना ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। उसके बाद जो ग्लट फोर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एम से मसल और एफ से फैट, यानी एडिपोज टिश्यू। मसल और एडिपोज टिश्यू के अंदर होगा ग्लट फोर ट्रांसपोर्ट। अब जो ग्लट फोर जो ट्रांसपोर्ट है, इसकी जो मेन बात है ये है इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि अगर इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लट फोर ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि इनकी अमाउंट डिपेंड कर रही है इंसुलिन की कंसंट्रेशन पे। जबकि ये जो बाकी तीन है ये है इंसुलिन इंडिपेंडेंट, इनकी अमाउंट जो है वो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करती। आगे आ जाता है ग्लाइकोलाइसिस का, जो हम आगे स्टेप्स देखते हैं। इसकी दो फेसेस होती हैं मेनली, प्रेपरेटरी फेस और पे ऑफ फेस। प्रेपरेटरी फेस में क्या होगा, इसके पांच स्टेप होंगे और इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरेडलीहाइड 3-फॉस्फेट, और इसमें हम ATP को यूटिलाइज करेंगे। पहला स्टेप देख लेते हैं, इसमें क्या है कि ग्लूकोज जो है हमें पता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये सेल के अंदर आया थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इस जो ग्लूकोज आया है इसकी फॉस्फोराइलेशन कर देंगे और ग्लूकोज से बन जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब इस फॉस्फोराइलेशन का फ़ायदा ये है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर आया है वो डिफ्यूज़ करके दोबारा बाहर ना चला जाए। तो फॉस्फोराइलेशन से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना वो पोलर हो जाएगा चार्ज और सेल के अंदर ट्रैप हो जाएगा। और ये जो फॉस्फोराइलेशन है ये कौन करवाता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है और ग्लूकोकाइनेज, ये दोनों क्या करवाते हैं? फॉस्फोराइलेशन। जो हेक्सोकाइनेज है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज जिसे हेक्सोकाइनेज 4 भी कहते हैं ये मेनली प्रेजेंट होता है लीवर में। और जो फॉस्फोरस वो कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं ATP से। ATP कन्वर्ट हो जाएगा ATP और फॉस्फोरस जो है वो ग्लूकोज में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो इसमें जो फॉस्फोरस है वो 6 कार्बन पे अटैच है, इस वजह से इसका नाम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब ये हमारे पास इरिवर्सिबल स्टेप है, यानी कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज जो है ना वो नहीं बन रहा। उसके बाद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इंटू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। अब हमें बताया ग्लूकोज जो है ये एल्डोज शुगर है, फ्रुक्टोज कीटोज शुगर है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो इसके लिए एक एंजाइम यूज़ होगा फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, और ये वाला जो स्टेप है हमारे पास वो होगा रिवर्सिबल। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट हमारे पास बन गया, एक एंजाइम एक्ट करेगा फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1, जिसे हम कहते हैं PFK1। PFK1 क्या करेगा? फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट था उसमें एक और फॉस्फोरस ऐड करेगा तो बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट। अब दो फॉस्फोरस हैं तो 20-फॉस्फेट का है, इसको बाई फॉस्फेट भी कह सकते थे, लेकिन 20-फॉस्फेट इसलिए कहा है कि जो दो फॉस्फेट ग्रुप हैं वो उन दोनों के दरमियान कार्बन स्पेसिस हैं। अगर ऐसे फॉस्फोरस दो साथ साथ अटैच होते तो इसे हम कहते हैं बाई फॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 1,6-बाई-फॉस्फेट बन गया। अगेन फॉस्फोरस कहाँ से आया? ATP कन्वर्ट होगा इंटू ADP और फॉस्फोरस जो है ना इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। अब फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट पे एक एंजाइम एक्ट करेगा एल्डोलेस, जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको कन्वर्ट कर देगा 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। एक फॉस्फेट इसके साथ आ जाएगा और एक फॉस्फेट इसके साथ आ जाएगा। इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये हमारे पास आ जाता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ने फर्दर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना है। जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये डायरेक्टली इसमें नहीं कन्वर्ट हो सकता, इसको इसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इसके लिए एंजाइम होता है ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेस। ये क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है तो ट्राइओज, 7 फॉस्फेट अटैच है तो फॉस्फेट
फॉस्फेट दोनों की क्या करेगा, इंटरकन्वर्जन, तो इस वजह से आइसोमेरेज, ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे एंजाइम एक्ट करेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस। वो क्या करेगा, डीहाइड्रोजिनेस से नाम से जाहिर है कि इसमें से हाइड्राइड निकालेगा, एनएडी को देगा, एनएडी पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एनएडीएच। हाइड्राइड क्या होता है, एक प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन, ये बनाते हैं हाइड्राइड। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है इसमें फॉस्फोरस भी ऐड करेगा GA3P में, लेकिन वो फॉस्फोरस ATP से नहीं आएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ अटैच कर देगा, तुम्हारे पास बन जाएगा 1,3-bisphosphoglycerate। अगेन दो फॉस्फोरस के दरमियान कार्बन स्पेसिस हैं तो बिस इसको नाम दिया है। अब ये जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया था, तो हमारे पास जो ये जो सारा आगे नेक्स्ट स्टेप होंगे ये दो दफ़ा होते जाएंगे। तो दो मालिक्यूल हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, इससे बने दो मालिक्यूल जो है ना 1,3-bisphosphoglycerate के, और NAD भी कितने, NADH भी कितने प्रोड्यूस होंगे, दो, क्योंकि दिस रिएक्शन इज अकरिंग ट्वाइस। उसके बाद 1,3-bisphosphoglycerate, इस पे एंजाइम एक्ट करेगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस क्या करेगा, काइनेस जहाँ पे भी आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये ATP की यूटिलाइजेशन करेगा, यहाँ पे क्या करेगा ADP को कन्वर्ट कर देगा इनटू ADP, और जो फॉस्फोरस है इसमें से 1,3-bisphosphoglycerate से निकाल के इसको दे देगा ADP को, और हमारे पास बन जाएगी ATP। तो पीछे प्रोडक्ट क्या बच गया, 3-phosphoglycerate। और उसके बाद इस केस में देखें जो ATP बन रही है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन बन गई है, तो इसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन अगर ATP की प्रोडक्शन हो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब 3-phosphoglycerate कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2-phosphoglycerate। 3-phosphoglycerate में ये था कि जो फॉस्फेट था वो कार्बन नंबर 3 पे प्रेजेंट होगा, अब 2-phosphoglycerate में क्या होगा कि वो फॉस्फेट कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा, तो इसके लिए एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। उसके बाद 2-phosphoglycerate कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, और इसके लिए एंजाइम यूज़ होगा इनोलेस। इनोलेस बेसिकली क्या होगा, ये होता है इनोल, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और इसके ऊपर लगा हुआ साथ ही OH, जिसकी जगह इस केस में फॉस्फोरस होगा, तो इनोल पाइरूवेट बन जाएगा, जिसे हम PEP भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, इस पे एंजाइम एक्ट करेगा पाइरूवेट काइनेस। अगेन काइनेस है तो ATP की यूटिलाइजेशन होगी, इसमें ATP से क्या बनेगा, ATP। अब आप देखें ये रिएक्शन कितनी दफ़ा हो रहा है, दो दफ़ा, तो दो ही ATP के मॉलिक्यूल्स अगेन बनेंगे। उसके बाद हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या मिल गया, इसका पाइरूवेट। अब पाइरूवेट जो है ना, अगर तो होती है एरोबिक कंडीशंस, तो ये चला जाएगा TCA साइकिल में, फर्दर जो है ना इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन अगर एनएरोबिक कंडीशन है तो पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के में दो NADH के मॉलिक्यूल्स बने थे। अब NADH जो है एनएरोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन जो है ना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बंद है, तो ग्लाइकोलाइसिस तो हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस में जो दो NADH बनेंगे वो अपने हाइड्रोजन को जो है ना वो अनलोड कर देंगे, NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, और पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लैक्टिक एसिड। और इस स्टेप के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, वो होगा लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेस। अब लैक्टिक एसिड है, या तो ये लिवर में स्टोर हो जाएगा, बाद में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज या ATP बना देगा, या और दूसरा इसका काम ये होता है कि pH को कम करता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कास करता है। और दूसरी बात ये कि जो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो पाइरूवेट कन्वर्ट होगा ज़्यादा इनटू लैक्टिक एसिड, और इस केस में हम कहते हैं कि जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो LDH का लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस का जो है ना सारी समरी देखते हैं तो उसमें यह है कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। स्टार्टिंग सबस्ट्रेट क्या है इसका, ग्लूकोज, और एंड प्रोडक्ट क्या मिला था हमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट। और बाय प्रोडक्ट क्या है, 4 ATP जो है ना हमें मिले हैं, 2 ATP मिले हैं जब पाइरूवेट बना है, और 2 ATP मिले थे जब उसके अलावा 2 ATP हमारे पास यहाँ पे मिले थे हमें 2 ATP मिले थे जब 1,3-bisphosphoglycerate कन्वर्ट हुआ था इनटू 3-phosphoglycerate। तो नेट ATP कितने आ गए, 4 ATP। लेकिन चूंकि 2 ATP यूज़ हुए थे प्रेपरेटरी फेज में, तो हम कहते हैं कि जो नेट ATP हैं वो कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। और इस केस में जो है NADH के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं, और ये हमारे पास एक एनएरोबिक प्रोसेस है। एंड प्रोडक्ट इस समरी यही लिखा हुआ है, ग्लूकोज 2 NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं, 2 ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल्स, 2 NADH, 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 ATP।